हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फोट्यूब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप पेटीएम का एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है पेटीएम का एटीएम कार्ड कैसे मंगाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, तो फिर इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रख दिया है अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल पर जा करके इसका वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने एटीएम कार्ड को चालू करना चाहते हैं ना, तो फिर आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, पेटीएम का एटीएम कार्ड को चालू करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर पेटीएम एप्लीकेशन को खोल लेना है। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर पेटीएम एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पेटीएम ऐप खोलने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको अपना पेटीएम पेमेंट बैंक में चले जाना है। तो यहाँ पे हम पेटीएम पेमेंट बैंक में चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको अपना पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, पासवर्ड डालते ही कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेटीएम का पेमेंट बैंक खुल गया। अब दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आपको एटीएम पे क्लिक कर देना है ऊपर के साइड में। यहाँ पे क्लिक करते जो है इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एटीएम कार्ड के पीछे क्यूआर कोड होता है, इस कोड को आपको स्कैन करना पड़ेगा अपने पेटीएम ऐप की मदद से। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एक्टिवेट एटीएम कार्ड। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन एक्टिवेट योर एटीएम कार्ड, यू रिसीव इट, स्कैन द क्यूआर कोड एंड बैक योर एटीएम कार्ड। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपका एटीएम कार्ड के पीछे जो क्यूआर कोड देखने को मिल रहा है, ये वाला क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। और यहाँ पे सेट द 4 डिजिट एटीएम पे, तो यहाँ पे आपको अपना 4 डिजिट का एटीएम पिन बनाना है। तो यहाँ पे नीचे एक्टिवेट का बटन आपको देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों, जिससे आप क्लिक कर देते हैं, स्कैनर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये वाला क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पे हम स्कैन कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने स्कैन कर लिया, ये ले लिया, और यहाँ पे इस प्रकार का पेज आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर पेटीएम पेमेंट बैंक का पासवर्ड। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, मैं भी डाल देता हूँ। दोस्तों, पासवर्ड डालते कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा, सिंपली आपको कन्फर्म वाले बटन को दबा देना है। दोस्तों, कंफर्म वाले बटन को दबाते ही यहाँ पे आपका पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको नया पिन बना लेना है 4 अंक का। तो यहाँ पे चलिए हम अपना पिन बना लेते हैं। दोस्तों, पिन डालते यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, कंफर्म योर न्यू एटीएम कार्ड पिन। तो यहाँ पे आपको जो पिन आपने पहले डाला था, वो वाला पिन को आपको दोबारा से डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं। दोस्तों, पिन डालते कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एटीएम कार्ड एक्टिवेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।